नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग सम्मेलन में शामिल होंगे। यह सम्मेलन प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में होगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने G20 बैठक में जिनपिंग के शामिल न होने को लेकर के कारणों का जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन ये साफ है कि चीन और भारत के बीच जो सीमा विवाद है और उसको लेकर के जो कड़वाहट है उसमें से प्रमुख कारण है। अभी जब ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग गए थे तो वहाँ पर शी जिनपिंग से इन मुद्दों को लेकर के बात हुई थी। सोर्सेज के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि जब तक सीमा विवाद खत्म नहीं होगा तब तक दोनों देशों के रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। भारत के स्टैंड को लेकर के चीन को थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी पर वो कब्जा जमाए बैठा है और भारत के सैनिक वहाँ पर गश्त नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। चीन उनके साथ एकजुटता प्रदर्शित कर रहा है और यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हम एक हैं। कहीं ना कहीं तीसरा कारण इसमें यह भी बन रहा है कि शी जिनपिंग ये संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ईस्ट इज राइजिंग वेस्ट इज फॉलिंग। जो G20 का मंच है उसे वेस्टर्न केंद्रित माना जाता है और इसमें दोनों देश रूस और चीन मिलकर के संदेश अपने हिसाब से दे रहे हैं। तीसरा कारण, बीजिंग ने हाल ही में एक तथाकथित स्टैंडर्ड मैप जारी किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन के साथ साथ ताइवान और दक्षिणी चीन सागर पर क्षेत्रीय दावा किया। चीन हर साल स्टैंडर्ड मैप जारी करता है, लेकिन भारत ने कम्युनिस्ट राष्ट्र के दावों को सिरे से खारिज कर दिया और कड़ा प्रतिरोध जताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसे दावों का क्या फायदा, इससे क्या फर्क पड़ता है। नक्शा जारी करने का समय थोड़ा चौंकाने वाला रहा, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले ही ये आया। चौथा कारण, व्यापार और चीन के मुख्य प्रतिद्वंदी अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते रणनीतिक संबंधों को लेकर के भी मतभेद है। भारत और चीन दोनों ने एक दूसरे के पत्रकारों पर भी ब्लेम किया था, यानी कि भारत किसी भी सूरत में अमेरिका के नज़दीक न जाए ये उसकी कोशिश है और भारत इस चीज़ को मान नहीं रहा है क्योंकि चीन सीमा पर तनाव दे रहा है। कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है कि गलवान में किस तरीके से चीन ने धोखे से हमला किया था जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। कोरोना काल के दौरान भारत की जमीन कब्जाने की चीन ने कोशिश की थी। पांचवा कारण ये माना जा रहा है कि शी जिनपिंग की देश में भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। वो अपना एजेंडा खुद तय कर रहे हैं, जहां उनकी सबसे बड़ी चिंता राष्ट्रीय सुरक्षा है और उन्हें चीन में रहना है बजाय इसके कि विदेशी नेताओं से वो मिले। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने चीन के G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने, बल्कि यूं कहें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भाग न लेने की वजह से निराशा जाहिर की है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं निराश हूं, लेकिन मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि शी के साथ उनकी बैठक कब और कहां हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से बाइडन ने रिएक्ट किया है और जो जवाब दिया है उससे लगता है कि उनकी मीटिंग होगी। बहरहाल खबर यही है कि शी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं आएंगे। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।